हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। अल्टरनेटिंग करंट के नाइन्थ लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, बोर्ड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एल फॉर इंडक्टर एंड सी फॉर कैपेसिटर का ऑसिलेशन। क्या इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑसिलेट करेगा? नहीं। इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैसे ऑसिलेट कर सकता है? इंडक्टर एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, कैपेसिटर एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। कैपेसिटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है? क्या करता है कैपेसिटर? कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है बाय स्टोरिंग चार्ज, एंड इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग इलेक्ट्रिक करंट। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है q²/2c, और इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है ½ Li²। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, उसी को हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। बताइए साहब, इंडक्टर कौन सा एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक। एंड कैपेसिटर कौन सा एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो ऑसिलेशन होता है, उसको कहते हैं हम एलसी ऑसिलेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पैरेलल में CL के बहुत सारे सर्किट मैंने बना दिए। सर्किट मैंने इसलिए बनाया है कि एलसी ऑसिलेशन का, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का, पहले मैं आपको एकदम आराम से फील दिलाऊंगा, डिटेल में एकदम फील हो जाएगा, आपको दिख जाएगा बोर्ड पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी किस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है। मैथमेटिकल एनालिसिस मैं बाद में करूंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेन डायग्राम है, ये रहा साहब कैपेसिटर। कैपेसिटर को इस बैटरी और रेसिस्टेंस की मदद से चार्ज किया मैंने। स्टेडी स्टेट पे जब ये फुल चार्ज हो गया, इस पे मैक्सिमम चार्ज आ गया +Q0, और इस पे मैक्सिमम चार्ज आ गया -Q0। स्टेडी स्टेट में जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट चार्ज हो गया, करंट फ्लो नहीं कर रहा। सर इंडक्टर में? इंडक्टर का तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो इंडक्टर में कहां का करंट? इंडक्टर में वैसे ही कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब स्टेडी स्टेट पे इस की को आपके सामने दिख रहा है डायग्राम में, आपके सामने इस की को 1 पॉइंट से हटा के 2 पे शिफ्ट कर रहा हूं। की इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। पहले कैपेसिटर को बैटरी से फुल चार्ज कर लिया। क्या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आप जानते हैं? हाँ सर जानते हैं, स्टेडी स्टेट में फुल चार्ज हो जाएगा। हो गया सर, फुल चार्ज हो गया। अब की को उठा के यहां रख दीजिए। की इज शिफ्टेड फ्रॉम point 1 to point 2। जैसे कि यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्लोज लूप आपका बन गया। देखिए ये क्लोज लूप बन गया आपका। अब हमें ऊपर वाले बैटरी से कोई मतलब नहीं है। सर आपने बनाया क्यों? तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैपेसिटर पे चार्ज आया कहां से। कई बार सर्किट का ये पार्ट होगा क्वेश्चन में, तो आपको फील आना चाहिए कि आया कहां से चार्ज। इस बैटरी ने इस पे चार्ज, यहां से चार्ज उठा के इस बैटरी ने यहां पे रख दिया था, फुल चार्ज हो गया। अब इसको गोली मारो। अब ये तुम्हारा आ गया एल और ये सी का कॉम्बिनेशन। एट t=0 पे, जिस इंस्टेंट पे मैंने स्विच को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे शिफ्ट किया था, उसी इंस्टेंट पे t=0 पे कैपेसिटर पे चार्ज बोलो कितना था? मैक्सिमम था सर। कितना था मैक्सिमम? Q0। और सर्किट में करंट कितना था? जीरो। अरे ये तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं था। तो जिस इंस्टेंट पे उठा के यहां से यहां तक शिफ्ट कर दोगे t=0 पे, उस इंस्टेंट पे भी करंट कितना फ्लो करेगा? जीरो। सर अब सर्किट कंप्लीट तो हो गया, कैपेसिटर चार्ज तो हो गया, क्या कैपेसिटर का डिस्चार्ज नहीं होगा? सर और कैपेसिटर का डिस्चार्ज होगा तो करंट जीरो ही फ्लो करता रहेगा। होगा डिस्चार्ज, रुको तो सही, सबर तो करो थोड़ा, ये इंडक्टर है। और इससे जान पहचान हुई है कि नहीं आपकी? इंडक्टर से जान पहचान है कि नहीं? कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टर से जान पहचान कराया था। ये वही इंडक्टर है जिसको चेंज से नफरत है, चेंज से नफरत है, यही वही इंडक्टर है। अगर इससे करंट जीरो फ्लो कर रहा था तो ये जीरो ही फ्लो कराता रहना चाहेगा। इसको चेंज से नफरत है साहब, ये नहीं चाहता है कि इसमें कोई करंट चेंज हो जाए। अगर इसमें आई फ्लो कर रहा होता तो आई ही कराता रहता, तुम सर्किट को ब्रेक भी कर देते ना तो भी करंट आई मेंटेन रखता उसी इंस्टेंट पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स जो इससे पास कर रहा होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अभी फ्लक्स बताओ कितना था स्विच को शिफ्ट करने से जस्ट पहले? जीरो। तो स्विच शिफ्ट करने के जस्ट बाद इसमें फ्लक्स जीरो रहेगा, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तभी आता जब करंट आता, तो मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जान पहचान हुई कि नहीं? आओ तुम्हें थोड़ा सा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। आज मैं एकदम फील दिलाते हुए तुम्हें चीजों को समझाऊंगा। मान लो ये कैपेसिटर है, ये +Q0 है, ये साहब -Q0 चार्ज है।
अगर मैं इसको इस को कनेक्टिंग वायर लेके इससे जोड़ दूं तो क्या होगा? अचानक से स्पार्क होगा, आवाज आएगा, स्पार्क होगा, लाइट आ जाएगा। स्पार्किंग में लाइट आता है ना, आवाज होगा, लाइट आएगा, साउंड आएगा, धराम से बजेगा, बर्बाद हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, सॉरी इतना कुछ हो जाएगा। हाँ, कभी आपने घर पे ट्राई नहीं किया है 12, 12 और 24 का जो वोल्ट का जो बैटरी होता है उसका, साहब ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, एक तार लो बढ़िया और इसे यहां से कनेक्ट करो और इसमें टच कराओ, टच कराते ही स्पार्क सा होता है, स्पार्क होता है, लाइटनिंग होता है, आवाज होता है, साउंड होता है, सब कुछ होता है ना। ज्यादा देर तक टच करा के रख दिए तो हो सकता है बैटरी जल जाए, तो पहले तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर डायरेक्टली कनेक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तब, तो यहां भी तो वही केस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, अचानक से डिस्चार्ज होगा, पॉजिटिव निगेटिव साथ एनिहिलेट होगा इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि एक कनेक्टिंग वायर से, आइडियल वायर से जोड़ दिया। अच्छा सर, हमने डिस्चार्ज पहले कैपेसिटर का पढ़ा तो है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें आपने इसको एक रेसिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कराया था। अब इसके पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है, वो एनर्जी इस रेसिस्टेंस के थ्रू धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर लॉस होगा, जिसको आप यूज कर सकते हो, यही तो आपका इंस्ट्रूमेंट टाइप हो जाता है। अब सीधा कनेक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तो जो एनर्जी है स्टोर था खत्म होगा, तो अचानक से खत्म होकर जाएगा कहां से? लाइट में, साउंड में, और लाइट साउंड डेवलप होगा, बर्न हो जाएगा पूरा। लेकिन रेसिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज कराओगे तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। याद करो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द रेसिस्टेंस, चार्ज मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, चार्ज कम होगा। अच्छा, करंट भी मैक्सिमम होता है, चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के केस में करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होता है और चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ऐसा होता है। जब एक कैपेसिटर को आप रेसिस्टेंस से डिस्चार्ज कराते हैं, ये सारा केस आप एक बार याद कर लीजिए, है ना। यहाँ पे डिटेल में चर्चा अपन नहीं करेंगे, ये आपने कैपेसिटर वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट सेक्शन आपने पढ़ा होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पे ये सिचुएशन अलग कैसे है? मैं यहां पे कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग किसके थ्रू करा रहा हूं? इंडक्टर के थ्रू। रेसिस्टर नहीं है, इंडक्टर है। इंडक्टर t = 0 पे करंट 0 था तो 0 ही रहने देगा। इंडक्टर बोलेगा मैं अपने में चेंज नहीं ला रहा, तुम्हें डिस्चार्ज कराना है ना अपना चार्ज। कैपेसिटर चाहता है ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, इसको माइनस क्यू चार्ज से मिला दो, इस प्लस क्यू चार्ज को माइनस क्यू चार्ज से मिला दो, मेरे पास जो एनर्जी है वो खत्म कराओ। कोई भी, किसी के पास भी एनर्जी ज्यादा होता है ना तो अनस्टेबल होता है एनर्जी स्टेट, जितना हायर एनर्जी स्टेट में तो होगा उतना अनस्टेबल होगा। ये बोलेगा मेरे पास बहुत एनर्जी है, मेरा खत्म करो, मुझे स्टेबल होना है, खत्म करो, इस प्लस की को जाके माइनस क्यू से मिला दो। इंडक्टर बोलेगा मैं नहीं, मैं अपने अंदर चेंज नहीं ला सकता, आई डोंट केयर। कौन बोलेगा? इंडक्टर। करंट 0 था तो 0 ही बहेगा, मैं अपने आप में चेंज नहीं लाऊंगा। अच्छा, ये बोलेगा मैं तो तेरे रास्ते से ही कराऊंगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंडक्टर बोलेगा मैं करंट नहीं बहने दूंगा, ये बोलेगा मैं बहा दूंगा, मैं ले जाऊंगा करंट को, और ये धीरे धीरे चार्ज को यहां से कोशिश करेगा ले जाने की। इंडक्टर अपोज करेगा लेकिन ये कोशिश करता रहेगा, धीरे धीरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी तरीके से यहां पे धीरे धीरे चार्ज यहां से फ्लो करेगा, तो कैपेसिटर पे एज टाइम इंक्रीजेस चार्ज की वैल्यू क्या होगा? कम होगा, और करंट धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे करंट बढ़ेगा सर? तो ये कोशिश कर तो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके क्रॉस डेवलप हो चुका है जब बैटरी से चार्ज करा था, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट फ्लो कराना चाह रहा था। इंडक्टर ने बहुत अपोज किया लेकिन धीरे धीरे इंडक्टर से करंट फ्लो करना शुरू होगा। बढ़िया, थोड़ा सा समय दे दो बेटा, 10 मिनट का समय दो, एकदम जबरदस्त फील आ जाएगा तुम्हें। ठीक है सर, समय दिया आप तो बताओ। तो चार्ज कम, करंट बढ़ रहा है, यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहां पे चार्ज कुछ माइनस प्लस की होगा, यहां पे माइनस की होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा और चार्ज की वैल्यू घटेगी। क्लियर है? ठीक है, अब ये करंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, करंट हो जाएगा धीरे धीरे फ्लो करता हुआ मैक्सिमम। जैसे ही अपने मैक्सिमम स्टेट को करंट, मतलब कुछ स्टेबल आई करंट, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहां पे चार्ज हो जाएगा बेटा 0, यहां पे भी चार्ज 0, मतलब सारा चार्ज फ्लो कर गया। अभी जब सारा चार्ज फ्लो कर गया है ना, चार्ज फ्लो कराते कराते धीरे धीरे करंट बढ़ रहा था, क्योंकि इंडक्टर बहुत जल्दी से अपने में चेंज नहीं लाने देना चाहता है, करंट 0 था तो करंट को इंक्रीज होने से अपोज करेगा। धीरे धीरे करंट एस्टेब्लिश हुआ, करंट की वैल्यू बढ़ती गई, चार्ज कम होता गया, करंट बढ़ता गया, चार्ज कम होता गया, चार्ज कम होते होते हो गया 0,
और करंट बढ़ते बढ़ते हो गया मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम हुआ उस इंस्टेंट पे चार्ज अपना जीरो हो चुका था, कैपेसिटर बोलेगा अब हो गया मेरा काम, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी सारी एनर्जी को खर्च कर दिया है, मैं अब अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। बोलेगा इंडक्टर, अच्छा अब मेरा चार्ज जीरो हो चुका है, करंट भी जीरो करा लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो चार्ज जीरो सर्किट में, तो करंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा यहाँ पे चार्ज अगर जीरो हो गया तो सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर पे चार्ज अगर जीरो हो गया तो सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। कैपेसिटर अपने जीवन में बहुत खुश, इंडक्टर बोला है करंट जीरो, बड़ी मुश्किल से तो मैं अपने आप को चेंज करके जीरो करंट से आई करंट पे एस्टैब्लिश किया, अब मेरे अंदर भैया चेंज जल्दी से नहीं ला सकते हो तुम। अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो करता रहेगा, मैं करंट आई फ्लो कराता रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन करंट को मैं कम नहीं होने दूंगा। कैपेसिटर बोलेगा मैं क्या करूं, मेरे पास तो चार्ज है ही नहीं, मैं तो चार्ज दूंगा ही नहीं। इंडक्टर बोलेगा अच्छा तू प्लेट तो है ना, कंडक्टिंग प्लेट तो है ना। बोलेगा करंट को तो मैं कम नहीं होने दूंगा, बहुत कोशिश करेगा। इंडक्टर के पास से जो करंट फ्लो कर रहा है, इस यहां पे बैटरी बना ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो कहां से करंट आएगा, लेकिन ये चाहता है कि करंट, ये बैटरी बन चुका है, देखो इसमें एनर्जी स्टोर हो चुका है ना, देखो मैक्सिमम करंट आ गया, तो यहां पे जो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इस मैग्नेटिक एनर्जी को खर्च करके धीरे धीरे करंट ये कम करेगा, अचानक से कम नहीं करेगा, मतलब धीरे धीरे करंट कम होगा, यहां से करंट धीरे धीरे कम होगा। तो अब करंट कम होगा लेकिन चार्ज तो था ही नहीं, तो यहां से चार्ज उठा लेगा और यहां पे चार्ज आने लगेगा कुछ माइनस और यहां पे चार्ज आने लगेगा प्लस, क्योंकि अचानक से करंट तो कम हुआ ही नहीं ना, इंडक्टर अचानक से करंट कम करेगा ही नहीं, वो धीरे 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 करंट को कम करेगा और धीरे धीरे करंट को कम कर रहा है। अब यहां पे लगातार करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज तो फ्लो करेगा, अचानक से करंट तो जीरो नहीं होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। तो पहले क्यू चार्ज प्लस क्यू नॉट चार्ज था, तो धीरे धीरे चार्ज ले गया, क्यू बचा वो भी ले गया तो जीरो बचा और ले जा रहा है चार्ज, करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज जाएगा, चार्ज जाएगा साहब तो यहाँ पे चार्ज निगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इस प्लेट पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इंडक्टर बोलेगा ऐसे नहीं, अचानक से नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज का ग्रोथ होने लगेगा, यहाँ से करंट कम होने लगेगा और कुछ ही समय बाद यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू नॉट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू नॉट और करंट कम होते होते हो जाएगा जीरो, तब तक यहाँ पे चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम, अब बोलेगा इंडक्टर अब ठीक है, बड़ी मुश्किल से अब करंट जीरो हो चुका है, मेरे अंदर जो भी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी था मैं वो लॉस कर चुका हूँ, अब मुझे आराम से जीने दो। कैपेसिटर बोलेगा ये तो उल्टा काम हो गया, मेरे अंदर फिर से एनर्जी आ गया, मैं अपने एनर्जी को नहीं रखना चाहता, मेरे पास जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है उसको मिलाओ, मैं वापस भेजूंगा। हाँ करंट जीरो हो गया, ऐसा ही कुछ केस हो गया लेकिन पोलरिटी अपोजिट हो गई है, बस कुछ समय बाद ऐसा हो गया। यहां पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। कैपेसिटर तो करेगा कि करंट मेरा डिस्चार्ज कराओ यार दोस्त कराओ, ये कहेगा नहीं मैं नहीं होने दूंगा, ये कोशिश करता रहेगा। यहाँ पे करंट जीरो हो गया था, अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे करंट बढ़ेगा और चार्ज की वैल्यू कम होगी। कुछ समय बाद यहाँ पे चार्ज बचेगा प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज बनेगा माइनस क्यू, धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ता जाएगा और इसका चार्ज कम होता जाएगा। चार्ज कम होते होते कुछ समय बाद चार्ज हो जाएगा इस पर जीरो, चार्ज हो जाएगा जीरो इस डायरेक्शन में, इस पर करंट हो जाएगा मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक एनर्जी फिर से क्या हो गया, मैक्सिमम। अब बोलेगा कैपेसिटर मेरा काम हो गया, मैंने अपने एनर्जी को लॉस कर दिया, मैंने अपनी एनर्जी को ख़त्म कर लिया, मैंने अपने चार्ज को निलेट करा दिया, मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। इंडक्टर बोलेगा ठीक है मैं भी बहुत खुश हूँ लेकिन करंट को ख़त्म नहीं होने दूंगा। बोलेगा अब तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, मेरे पास चार्ज ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। ये बोलेगा नहीं अभी तो तुम फ्लो कराना पड़ेगा, पहले जब मेरे पास नहीं था करंट मैं आराम से जीना चाहता था, तूने मुझे जीने नहीं दिया, तूने मेरे थ्रू करंट बढ़ा दिया, मेरे जीरो करंट था मैं खुश था। ये बोला था तुम नहीं खुश थे, तुम्हारे अंदर चार्ज स्टोर था, तुम अपने चार्ज को निलेट कराना चाहते थे, एनर्जी खत्म करना चाहते थे, तुमने यहां से चार्ज भेजा, मैं बहुत अपोज किया लेकिन तुमने फ्लो करा लिया, तो धीरे धीरे करंट बढ़ा लिया, करंट मैक्सिमम आ चुका है। इंडक्टर बोलेगा मैं अब चेंज नहीं होने दूंगा, मेरे अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मैं कराता रहूंगा। ये बोलेगा मेरे पास है ही नहीं,
तो बोलेगा रुक मैं तो कराता रहूंगा, एक बैटरी बना लूंगा। अब यहां से करंट कम होने की जैसी कोशिश करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी बना लेगा, सॉरी इस डायरेक्शन में एक बैटरी बना लेगा, प्लस ये माइनस, बोलेगा मैं करंट फ्लो कराऊंगा, बोलेगा मैं पोटेंशियल नहीं दूंगा। तो रेट जैसी करंट जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, देखो यहाँ चार्ज है ही नहीं, चार्ज जब तक फ्लो कर रहा था करंट था, अब चार्ज है ही नहीं तो करंट जीरो होना चाहेगा, लेकिन ये बोलेगा मैं करंट जीरो नहीं होने दूंगा, मैं बैटरी बना लूंगा लेकिन करंट मेंटेन रखने की कोशिश करूंगा, करंट आई फ्लो कराता रहूंगा। ये बोलेगा अच्छा करंट फ्लो कराओगे तो कराओ, कैसे कराते हो देखता हूँ। तो बोलेगा मैं करंट आई इधर फ्लो कराता रहूंगा, यहाँ से चार्ज उठा लूंगा। बोलेगा मेरे पास चार्ज जीरो है तो और उठा लूंगा, तेरा कंडक्टिंग प्लेट है ना, मैं चार्ज उठा लूंगा, यहाँ पे माइनस क्यू कर दूंगा और चार्ज उठा के यहाँ रख दूंगा, लेकिन मैं करंट फ्लो कराऊंगा, धीरे धीरे करंट कम होगा कोई बात नहीं और चार्ज बढ़ेगा। करंट अचानक से कम नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा और चार्ज बढ़ेगा। कुछ समय बाद कुछ समय बाद इस पे चार्ज बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, इस पे चार्ज माइनस क्यू नॉट हो जाएगा और यहाँ से करंट फिर क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो करंट तो एरो किस बात का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एनर्जी मैक्सिमम होगा। ये पूरी कहानी। अब ये वाला डायग्राम को ध्यान से देखा जाए, इस वाले डायग्राम को, तो एग्जैक्टली इसके जैसा है। ओहो ये तो जहां से चले थे घूम फिर के वही पहुंच गए। सर एनर्जी इतना ही स्टोर होगा क्या, क्या इतना ही चार्ज स्टोर होगा क्या जितना स्टार्टिंग में था, इतना दौरा चार्ज इधर से उधर करंट फ्लो हुआ, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसी पढ़ रहे हो ना बे, इसी पढ़ रहे हो ना तुम, यहाँ वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है ना। बताओ इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी लॉस कितना होता है, प्योर इंडक्टर में जीरो, प्योर इंडक्टर में जीरो, प्योर इंडक्टर होना चाहिए, रेसिस्टेंस नहीं है, तो एकदम आइडियल कंडीशन लिया। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस कनेक्टिंग वायर में होगा, इंडक्टर जिससे बना है उसमें होगा, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन आइडियली अगर आप रेजिस्टेंस को जीरो मानते हो तो जो कैपेसिटर के पास एनर्जी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, धीरे धीरे अपने एनर्जी लूज करके इसमें करंट बढ़ाएगा, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ाता जाएगा। यहाँ पे जब आप देख पा रहे थे मैक्सिमम करंट था, देखो ऐसे 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 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो हो गया था। फिर से धीरे धीरे मैग्नेटिक कम होने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ने लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो मैक्सिमम हो गया था, मैग्नेटिक जीरो हो गया था, धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक कम होने लगा, मैग्नेटिक बढ़ने लगा, देखो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो ऑसिलेशन किसका हो रहा है, एनर्जी का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट एक साइकिल है। इस पूरे साइकिल का अगर मैं टाइम बोलता हूँ टी, पूरे साइकिल का टाइम बोलता हूँ टी, सब कुछ मैथमेटिकली मैं समझाऊंगा, ये फिजिकली अभी समझा रहा था। पूरे साइकिल का अगर टाइम बोलता हूँ मैं टी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा, टी बाई फोर, ये तो मिड का प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस फिर यहाँ आया, कितना टाइम लगा होगा, टी बाई टू, फिर यहाँ आया फाइनल प्रोसेस, थ्री टी बाई फोर, देख टी बाई फोर, टी बाई फोर, दो बार टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर क्या हो गया था, टी बाई टू, फिर एक और टी बाई टू, तो सॉरी एक और बाई, एक और यहाँ से यहाँ तक टी बाई फोर, टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, और ये आ गया टी। अगर कैपेसिटर पे एनर्जी मैक्सिमम था तो टी इज इक्वल टू जीरो पे, याद देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम था। कितने टाइम के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली टी बाई फोर टाइम के बाद, देखो ये पूरा साइकिल बन गया ना यार। तो फाइनल स्टेट देखो, यानी जीरो था, टी इज इक्वल टू जीरो था, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये फाइनल आ गया, मतलब यहाँ का एनर्जी जीरो, यहाँ का एनर्जी मैक्सिमम, तो टी बाई फोर हुआ। फिर ट्रांजिशन स्टेट है, ये फाइनल आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये आधे टाइम पीरियड के बाद होगा। फिर ट्रांजिशन स्टेट है, फिर फाइनल आ गया। एकदम जबरदस्त तरीके से मैंने आपको कंप्लीट सिखाया है। आप इस पूरे ऑसिलेशन को सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन से कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो चार्ज मैक्सिमम है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कर देता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ, यहाँ से मैं छोड़ूंगा, मुझे उम्मीद था कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, देखो यहीं पे इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए। तो जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा, वैसे धीरे धीरे छोड़ूंगा तो यहीं आके रुकेगा, लेकिन अचानक से मैं इसको छोड़ दूँ तो यहाँ आके नहीं रुक रहा, वहाँ जा रहा, फिर यहाँ आ रहा, ऑसिलेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा ना ये, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो हाथ बस यहाँ पे रखे हुए हूँ, अपने आप ऑसिलेट कर रहा। तो देखो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, जैसे छोड़ूंगा काइनेटिक में स्टोर हो गया, यहाँ पे रुका क्यों नहीं,
इसलिए नहीं रुका कि यहाँ की पूरी एनर्जी जब पोटेंशियल में कन्वर्ट पूरी पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुका था तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन में था, और इस इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए ये भागता रहा, और भागता रहा तो काइनेटिक एनर्जी लूज करके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लिया। उसी तरीके से आपको याद हो तो मैंने समझाया था कि इंडक्टर इनर्शिया बेस्ड होता है, ये जिस स्टेट में चला जाता है उसी में रहना चाहता है। करंट जीरो था, धीरे धीरे फ्लो कराते कराते करंट बढ़ा, करंट मैक्सिमम हुआ, तो करंट मैक्सिमम ही रखना चाहेगा, और करंट मैक्सिमम रखने के चक्कर में चार्ज जीरो हो गया तो भी करंट मैक्सिमम रखने के चक्कर में चार्ज फ्लो कराता रहेगा। अब चार्ज जीरो हो गया तो कहाँ से करा रहा है, तो कैपेसिटर प्लेट से चार्ज उठा तो सकता है ना, उठा लिया कुछ, तो यहाँ पे उठा लिया, यहाँ से चार्ज उठा के ला के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से चार्ज उठा लिया क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू बचेगा ना भाई, और वहाँ जाके रख दिया। बताओ समझ आया कि नहीं है। अब इसी को कंपेयर करते हैं स्प्रिंग मास ऑसिलेशन से। तो देखो ये मेन पोजीशन था, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां से इसको इलोंगेट करता रहा, और ये मास है एम, कितना इलोंगेट किया एक्स, कितना इलोंगेट किया एक्स। तो कहते हैं कि इसका जो मास है ना, मास मेजर, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इनर्शिया, जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो इनर्शिया यहां पे इंडक्टर से कंपेयर करते हैं इनर्शिया को, तो m इज इक्वलेंट टू m, इंडक्टेंस इज इक्वलेंट टू क्या मान लेते हैं यहां पे m, जैसे कि यहां से छोड़ते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट x को कंपेयर कर लेते हैं चार्ज से, t इज इक्वल टू जीरो पे यहां पे क्या था, चार्ज मैक्सिमम था, और यहां पे खींच के छोड़ा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो इसको x इज इक्वल टू a बोल दो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड को कंपेयर कर लेते हैं चार्ज से। अब दो ही कंपेरिजन यहाँ पे बताऊंगा, है ना, बाकी बाद में बताऊंगा। क्या तुम ये याद रख सकते हो कि ये पूरा ऑसिलेशन स्प्रिंग मास ऑसिलेशन से कंपेयर किया जा सकता है, इनर्शिया बेस्ड यहाँ पे है मास, और इनर्शिया बेस्ड एलसी ऑसिलेशन में होता है सेल्फ इंडक्टेंस। इतना याद रख सकते हो ना, बस ये समझ लो, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखो। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो भी चीजें यहां पे हमने फिजिकली महसूस किया था, ऑसिलेशन देखा था, उसको मैथमेटिकली फील दिला देता हूं मैं, सारी चीजों को ड्राइव करके मैथमेटिकली जो अभी हम ड्राइव करेंगे, और फिजिकली जो समझा था वो आपको दिखेगा कि सिमेट्रिक है दोनों चीजें। तो आइए देखिए, किसी भी टी टाइम पे यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। अच्छा, चार्ज कम हो रहा है तो करंट को क्या लिखूंगा मैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यस, बट विद नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है यहां पे, है ना, ठीक है। अब यहां पे आके करंट बढ़ने की कोशिश करेगा, जब करंट बढ़ने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा, यहां पे प्रोड्यूस करेगा बैटरी कुछ इस तरह का, इस तरह का, यहां पे प्लस साइन, यहां पे माइनस साइन, और इस बैटरी का पोटेंशियल होगा एल डी आई बाई डी टी के बराबर। जब क्लोज लूप में आप चलेंगे, यहां से यहां तक क्लोज लूप में चलेंगे ना बेटा, क्लोज लूप में चलना आता आपको, चलिए क्लोज लूप में चलेंगे ऐसे, तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो इसका पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये हो गया पोटेंशियल Q बाई सी, लो से हाई गए हैं तो ऐड करेंगे, और यहाँ पे हाई से लो जाएंगे तो माइनस L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है सर, बढ़िया। अच्छा, डी बाई डी टी को बाहर लेके मैं करंट को लिख सकता हूँ माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस कॉमन निकाल लूंगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो टर्म बनेगा Q बाई सी प्लस यहाँ पे L बाहर, L बाहर और d बाई डी टी भी बाहर, ये आ जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तीनों ही टर्म में अगर L से डिवाइड कर दो तो जीरो बाई L, जीरो, यहाँ पे L बाई L कैंसिल हो जाएगा, नीचे L आ जाएगा। इस टर्म को पहले लिखता हूँ और d अंदर जाएगा तो ये बनेगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो, बस हो गया। सर इतना जल्दी फिजिकली समझाने में तो सर खेल रहे थे आप, मैथमेटिकली ड्राइव हो गया, हाँ भाई मैथमेटिकली ड्राइव हो गया। ये जो इक्वेशन आया है चार्ज का, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर कैसे, तो याद करिए, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव होता है फेज डिफरेंस, पूरा का पूरा एसएचएम की कहानी याद कर लो यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी याद करो,
या ओमेगा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख लो रूट अंडर के बाई एम। याद आया कुछ? ये SHM में पढ़ा है आपने। यहां भी चार्ज का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट मतलब मैक्सिमम चार्ज इन टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज यहां पे मैक्सिमम था, याद है ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज मैक्सिमम लिया था। तो साइन का फंक्शन लिखो या कॉस का, कॉस का। और वैसे भी यहां भी SHM अगर मीन पोजीशन से शुरू होता है टी इज इक्वल टू जीरो रखने पे, मान लो फाइव जीरो है तो साइन ओमेगा टी लिखोगे तो टी जीरो पे एक्स क्या आएगा, जीरो। मीन पोजीशन से SHM अगर शुरू होता है तो साइन का फंक्शन आता है, और एक्सट्रीम से शुरू होता है तो कॉस का फंक्शन आता है। SHM का पार्ट है ये, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का जो सॉल्यूशन होगा चार्ज का वो होगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। सर ये ओमेगा का होगा, यही ओमेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्यू आएगा, जैसे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स आया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा 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 यहाँ पे आता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एल सी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट एल सी। ओहो तो आप तो सर बता रहे थे कि एल एम है, तो हाँ एल एम है, तो सर 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 सी क्या होगा, तो सी सी इज इक्वल टू होगा वन अपॉन के, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है भाई स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, ये एनालॉजी हो गया। तो चार्ज का इक्वेशन आ गया आपके सामने क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। देखिए यहाँ पे चार्ज क्या आ गया क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। चार्ज सिनोसाइडली वैरी कर रहा है, सॉरी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, चार्ज सिनोसाइडली वैरी कर रहा है, और आई इज इक्वल टू क्या है माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से इसी इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉन्स्टेंट बाहर क्यू नॉट, ओहो हो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, बट आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो एक माइनस और है इसलिए हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे टी का मल्टीप्लायर बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, ये इक्वेशन नंबर टू। तो चार्ज एंड करंट का सिनोसाइडली वेरी कर रहा, आप देख रहे थे ना सिनोसाइडली तो वेरी कर रहा था। अच्छा सर एनर्जी कैसे था, तो ये किसी टी टाइम का चार्ज और किसी टी टाइम का करंट है। एनर्जी कैपेसिटर का कैसे लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू की वैल्यू ये रही क्यू स्क्वायर, तो क्यू नॉट का होल स्क्वायर बटा टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा सर ये किसी टी टाइम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। अच्छा मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, किसी टी टाइम पे मैग्नेटिक एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई की वैल्यू ये रहा, तो क्यू नॉट ओमेगा आपका मैक्सिमम करंट होगा। क्यू नॉट ओमेगा क्या होगा मैक्सिमम करंट, इसको आप आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। सर आपको कैसे पता ये मैक्सिमम करंट यही होगा, यही मैक्सिमम करंट होगा ये कैसे पता है, तो इसको प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, तो वो होगा सर क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू सी, और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर होगा, क्या बिल्कुल होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि आपने बोला था एनर्जी लॉस हो नहीं रहा, तो T इज इक्वल टू जीरो पे सारा एनर्जी किस में स्टोर था कैपेसिटर में, ये रहा मैग्नेटिक एनर्जी जीरो था, और वही एनर्जी पूरा का पूरा मैग्नेटिक में आ गया, तो यहाँ से वन बाई टू से टू को कैंसिल करेंगे, ठीक है सर। L को नीचे ले जाओ तो Q नॉट का होल स्क्वायर बाई एल सी इज इक्वल टू आई नॉट का होल स्क्वायर, तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट बाई वन अपॉन रूट एल सी, एंड वन अपॉन रूट एल सी इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा, तो मैक्सिमम करंट इज Q नॉट ओमेगा, मैक्सिमम करंट इज Q नॉट ओमेगा, समझ में आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक के बराबर रखती, तो ये I नॉट है, कहा है ये I नॉट है, तो क्या रखोगे बोलो, I नॉट का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये रहा, ये है वेरिएशन आपका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। बट टोटल एनर्जी तो किसी भी इंस्टेंट पे कॉन्स्टेंट रहेगा, बिल्कुल टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहेगा, तो इन दोनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए, देखते हैं। E प्लस बी इज इक्वल टू क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू सी, क्लियर है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस
हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट, आई नॉट को क्यू नॉट, आई नॉट को रख सकते हैं क्यू नॉट का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्यू नॉट का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्लियर है? ठीक है, अब यहां से आप साफ साफ देखें ये क्यू नॉट का होल स्क्वायर मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू से लिखो उसको कॉमन निकाल सकते हैं, चलो सर क्यू नॉट का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पे एल ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है वन अपन एल सी, तो वन अपन एल सी रखेंगे तो एल से एल कटेगा यहां पे सी बचेगा, सी बाहर आ जाएगा और यहां पे टू सी है तो टू सी यहां पे भी टू है टू सी बाहर आ जाएगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी उधर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो इन सारे चीजों के कैलकुलेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन रूट एल सी होता है, और आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी, तो टर्म बहुत ईजी है याद रहेगा, डायमेंशनली वहां से यहां तक देखो कंसिस्टेंसी बना है, यहां पे ये वन आ जाएगा ये टोटल एनर्जी होगी साहब, ये टोटल एनर्जी होगी टोटल, तो देखो ई टोटल, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू सी होगा या हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर होगा, ये तो टोटल एनर्जी है, किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जी होगी ना वो सर्किट का इतना बना रहेगा। अब इसमें से कुछ किसी भी ट्रांजिशन स्टेट पे, किसी भी ट्रांजिशन स्टेट पे एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और अगर एनर्जी ऑलवेज कॉन्स्टेंट है तो आप लिखेंगे किसी भी टी टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, किसी भी टी टाइम पे इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी किसी दूसरे टी टाइम पे कॉन्स्टेंट होगा, मतलब किसी भी टी वन पे है ना, किसी भी टी वन पे आप उसको इनिशियल टाइम मान लेते हैं, उस समय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जैसे कैपेसिटर में और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है उनका सम किसी दूसरे टी टाइम पे फाइनल पे हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि एनर्जी लॉस हो नहीं रहा, तो किसी टी इज इक्वल टू जीरो पे, किसी भी टी इज इक्वल टू जीरो पे जो एनर्जी है वो मान लीजिए कि पूरा के पूरा कैपेसिटर में है तो टोटल एनर्जी कितना होगा क्यू नॉट कॉल स्क्वायर बाई टू सी। अब धीरे धीरे कैपेसिटर की एनर्जी कम होने लगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होने लगी, मैग्नेटिक में कन्वर्ट होने लगा, इंडक्टर में स्टोर होने लगा, लेकिन जो टोटल सम होगा वो तो इतना ही रहेगा, लेकिन सर कैपेसिटर में तो इतना नहीं बचा तो वही तो थोड़ा सा मैग्नेटिक में चला गया, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा एक ही बात है। कुछ समय बाद एग्जैक्टली टी बाई फोर समय के बाद जो एनर्जी है कैपेसिटर की वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक इंडक्टर में चला गया, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गया, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर हो गया। क्या आपको थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे खास बात है, जगह नहीं बचा, आप खुद प्लॉट कर सकते हो, ये चार्ज का इक्वेशन है जो कि कॉस के फंक्शन में चेंज हो रहा है, ये करंट का इक्वेशन है, चाहो तो ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाते आपको समझ जाएगा ये साइन का ग्राफ कॉस का ग्राफ होगा और ये साइन का ग्राफ होगा, इसका वेरिएशन कॉस के साथ चेंज होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे चार्ज मैक्सिमम होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट मिनिमम होगा, ग्राफ बना लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बोर्ड में पूछ देगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो एलसी ऑसिलेशन को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन करो, तो आप ऐसे ही करेंगे, क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब जो भी मैथमेटिक्स हमने यहां पर सीखा है उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो भी देखते हैं साहब। तो चलिए सवाल लिखा है मैंने यहाँ पे, अ कैपेसिटर सी इज चार्ज्ड विथ पोटेंशियल वी वन, एक कैपेसिटर को वी वन पोटेंशियल से चार्ज किया, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, कनेक्टेड विथ अ अनचार्ज्ड इंडक्टर, अ कैपेसिटर सी इज चार्ज्ड विथ पोटेंशियल वी वन एंड देन कनेक्टेड विथ अनचार्ज्ड इंडक्टर, देन लिख देता हूं, ले देन कनेक्टेड विथ अ अनचार्ज्ड इंडक्टर, then find current in inductor when potential of capacitor becomes V2, कैसे करोगे बताओ, कौन सा equation लगाओगे? तो जो मैं कहता हूँ उसको लिख लो, short notes बनाते हो क्या तुम? short notes अगर बनाते होगे ध्यान से देखना, short notes कभी भी अलग से मत बनाना, अलग से short notes मत बनाना, जो अब तुम्हारा notes है, जो तुम्हारा notes है यहाँ से साहब लिखते हो ना, तो यहाँ से अपनी कहानी जो भी है सवाल concept सब कुछ लिखो, ऊपर में ही शॉर्ट नोट्स बनाओ, इस पेज में मास्टर ने कुछ ऐसे पॉइंट बोला है या कोई फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रहना चाहिए उसको ऊपर लिख लो, जो मैंने अभी अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं क्या बोलूँगा ध्यान से सुनना, मैं ये बोलूँगा एल सी ऑसिलेशन का अगर सवाल आपके सामने आता है उसमें से 90% सवाल एनर्जी कंजर्वेशन से होगा,
90% सवाल एनर्जी कंजर्वेशन से होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 90% सवाल एनर्जी कंजर्वेशन से ही होगा। तो लिख लो ये कहानी, ये सवाल, ये थ्योरी, तो सब कुछ तुम लिखोगे ना यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे जैसे तुम डायरी देखते हो, डायरी तो डायरी में देखोगे तो महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का या फिर सुभाष चंद्र बोस का इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखा होता नीचे डायरी में। उसी तरीके से ये तुम्हारा नोट्स है, इसके ऊपर वाले बॉर्डर में तुम लिखा करो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आज का अच्छा विचार, क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज सीखने को मिला उसको ऊपर लिखा करो। राइट, ध्यान से समझ में आए बात। अब देखो मैंने तुम्हें बताया एनर्जी कंजर्वेशन से, तो देखो टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर चार्ज है, तो उसके कैपेसिटर की एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता हूं पूरा, प्लस मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इनिशियल, इनिशियली बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस प्लस मैग्नेटिक। 90% सवाल इसी फॉर्मूले से होगा। बताओ इनिशियली जब कैपेसिटर चार्ज्ड किया था मैंने V1 पोटेंशियल से, तो कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी आई होगी, हाफ सी V1 का स्क्वायर। और अनचार्ज्ड इंडक्टर से जोड़ा था तो इंडक्टर की एनर्जी कितनी है, जीरो। जब कैपेसिटर की पोटेंशियल V2 हो गई तो कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होगा, हाफ सी V2 का स्क्वायर। उस इंस्टेंट पे इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस करंट अगर IT है तो उस इंस्टेंट पे एनर्जी हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। और उसी इंस्टेंट पे एनर्जी पूछा है जब कैपेसिटर की पोटेंशियल V2 हो गया, मतलब कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर है, हो गया सॉल्व बेटा। हाफ 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 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, सी कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया बेटा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का होल स्क्वायर। एल को नीचे ले जाओ, ये आ गया तुम्हारा आई स्क्वायर, रूट इधर लगा दो आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया, इतना इजी सवाल हो सकता है क्या? देखो इन LC ऑसिलेशन इफ मैक्सिमम चार्ज इज Q0, सब ठीक है साहब, मैक्सिमम चार्ज Q0 है तो मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, Q0 का होल स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, या हाफ सी स्क्वायर। देन फाइनल चार्ज इन कैपेसिटर, फाइंड चार्ज इन कैपेसिटर व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। ओ हो हो, देखो सवाल को थोड़ा सा गहराई में समझो। तो बोलोगे सर जो इनिशियली पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक में चला जाएगा, तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या बचेगा, जीरो। वो सवाल नहीं बोल रहा, सवाल क्या बोल रहा है फिर से पढ़ो। इन LC ऑसिलेशन इफ मैक्सिमम चार्ज इज Q0, ओ हो 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 हो, देन फाइंड चार्ज इन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, किस पे चार्ज बताओ, कैपेसिटर पे। व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कुछ स्टोर है, किस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। चलो देखते हैं इन LC ऑसिलेशन मैक्सिमम चार्ज Q0 है, तो इनिशियली Q0 का होल स्क्वायर बाई 2C प्लस जीरो। जब इलेक्ट्रोस्टैट पे, मतलब कैपेसिटर पे Q0 चार्ज स्टोर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना, मैक्सिमम चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगा, उस समय इंडक्टर पे एनर्जी जीरो। और किसी टी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज होगा कुछ QT, तो उसका एनर्जी होगा Q2/2C, और इंडक्टर का करंट होगा कुछ हाई, तो उसका एनर्जी होगा हाफ एल आई स्क्वायर। अब वो कह रहा है किसी टी टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब इन दोनों की वैल्यू, एक्सप्रेशन अलग दिख रहा है लेकिन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल लिख सकते हो। अच्छा मुझे क्या पता करना, उसी इंस्टेंट पे चार्ज, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ Q2/2C? यही तो कह रहा है, किसी इंस्टेंट पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं, अरे भाई धीरे धीरे मैक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो किसी इंस्टेंट पे ऐसा हो सकता है ना कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है उतना ही मैग्नेटिक है? अरे जब T=0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक जीरो होता है, फिर कुछ समय बाद जब मैग्नेटिक मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो होता है। ये केस नहीं कह रहा है ये कि सारा का सारा एनर्जी मैग्नेटिक हो जाए, ये कह रहा है कि किसी टी टाइम पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर इंडक्टर को चार्ज कर रहा था तो ट्रांजिशन स्टेट पे ऐसा हो सकता है कि किसी स्टैंड पे मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पे क्यू मैक्स नहीं लिखा हुआ, किसी टी टाइम का चार्ज है किसी टी टाइम का करंट, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखना, यहाँ पे ध्यान से मजा आ जाएगा 2Q2/2C लिख सकता हूँ इसको,
इसको क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिखूंगा, इसको क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिखूंगा, तो टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू सी, टू सी से टू सी कटेगा, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट बाई रूट टू। अब उस इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे इतना चार्ज होगा, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, यही पूछा है ना। देन फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अरे 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 आ गया आंसर आ गया, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी सेम होगा तो कैपेसिटर पे चार्ज होगा क्यू नॉट बाई रूट टू। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि फाइंड टाइम व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी, तो आप कैसे निकालोगे, किस समय पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी सेम होगा, कितने टाइम के बाद। इनिशियली कैपेसिटर पे एनर्जी मैक्सिमम है, इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो है, तो कितने समय के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा, तो यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई रूट टू, ठीक। और चार्ज का इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, याद है, हाँ सर याद है, बताओ कितना चार्ज है, क्यू नॉट बाई रूट टू किसी टी टाइम पे, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई रूट टू, यहाँ से एक कटेगा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू वन बाई रूट टू, मतलब ये जो ओमेगा टी है दैट मस्ट बी इक्वल टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई फोर, है ना। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, टू पाई बाई टी, इसको लिख सकते हैं अपन टू पाई बाई टी, पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा टी टू और टी ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी बाई एट, तो टी बाई एट समय के बाद, कितने समय के बाद, टी बाई एट समय के बाद, क्लियर है। स्क्रीन पॉज करके दोनों सॉल्यूशन लिखिए और साथ में ये सवाल भी लिखिए, स्क्रीन पॉज करिए, दोनों सॉल्यूशन लिखिए, साथ में वो सवाल भी लिखिए, चलिए स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। अब साहब आइए, अब ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ज़बरदस्त है, आपको जितना भी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे समझाया था उसका उल्टा ही कहानी हो गया है, एकदम उल्टा ही कहानी है। क्या कहानी है, देखो सर्किट देखो, ये बैटरी है, ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, T इज इक्वल टू जीरो पे, कब T इज इक्वल टू जीरो पे, की वन पे कनेक्टेड है ना, स्टेडी स्टेट के बाद, आफ्टर स्टेडी स्टेट की इज शिफ्टेड फ्रॉम वन टू, की इज शिफ्टेड आफ्टर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि इंडक्टर फुल चार्ज हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, यही लिख देता हूँ ना, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद की को यहाँ से उठा के इस पे शिफ्ट कर दिया, वन से टू पे शिफ्ट कर दिया, देन फाइन मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, इंडक्टर को पहले फुल चार्ज किया, फिर की को वन से टू पे शिफ्ट कर दिया, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा है, तो मैक्सिमम चार्ज तुरंत से थोड़ी ना आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम स्टोर होगा, हाफ एल आई मैक्स का होल स्क्वायर, जैसे स्विच को शिफ्ट किया था उस स्टैंड पे यहाँ पे चार्ज किया था जीरो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो, जब इस पे चार्ज मैक्सिमम होगा तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो इंडक्टर का एनर्जी क्या होगा, जीरो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा हाफ क्यू मैक्स का होल स्क्वायर बाई सी, वन बाई टू से वन बाई टू कटेगा। अब यहाँ पे करंट मैक्सिमम गिवन तो था नहीं, हमने मान लिया ना, ये ज्यूम किया, मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो जब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर चार्ज हो जाता है तो सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है, तो इसमें टोटल मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा E बाई आर, तो L मैक्सिमम करंट कितना होगा, E बाई आर इज इक्वल टू क्यू मैक्स का होल स्क्वायर बाई सी, सी यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू सी यहाँ चला जाएगा, तो रूट अंडर एल सी ई बाई आर, ये आएगा जवाब। रूट रूट एल सी को आप ओमेगा भी कह सकते हैं, सॉरी वन अपॉन ओमेगा भी कह सकते हैं, तो जवाब ये हो जाएगा E बाई आर वन अपॉन ओमेगा, आहा, ये है आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है बेटा, समझ आया, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फिर से वही मैंने आपको बताया, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से ही होता है। सवाल देखिएगा, इफ मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू नॉट, ठीक है, जिस इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज होगा, कैपेसिटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, देन फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन मैग्नेटिक एनर्जी इज थ्री टाइम्स देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है ना, ढंग से सुनिएगा, जिस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इंडक्टर पे एनर्जी हो जाएगा जीरो, इज इक्वल टू किस इंस्टेंट पे, मान लीजिए चार्ज क्यू है उस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गया साहब क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा आपका
मैग्नेटिक एनर्जी। अब ये कह रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक एनर्जी इज थ्री टाइम्स, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है ना ये तीन गुना ज्यादा है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से। मतलब आप ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है इसका थ्री टाइम्स है, तो आप यही लिखोगे ना मैग्नेटिक एनर्जी इज थ्री टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसी इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी है तीन गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई टू सी था उस इंस्टेंट पे, और इधर आ जाएगा आपका क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू सी। यहाँ से आप देखेंगे टू सी टू सी टू सी कैंसिल, तो ये हो जाएगा साहब फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट का होल स्क्वायर, देन क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट बाई टू, दैट्स इट। ये आ जाएगा आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं है? बहुत ईजी सवाल है साहब, बहुत ईजी सवाल है। चलिए दूसरे सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। आप इन एलसी ऑसिलेशन मैक्सिमम एनर्जी इज यू एंड मैक्सिमम चार्ज इज क्यू नॉट। जिस इंस्टेंट पे चार्ज मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, और जब वही पूरा मैग्नेटिक एनर्जी में चला जाएगा तो मैग्नेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू यू, क्योंकि टोटल एनर्जी मैक्सिमम यू है। तो मैक्सिमम चार्ज इज क्यू नॉट, ओके ओके ओके, तो क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू सी को अपन यू कह सकते हैं। एक इक्वेशन तो ये अपने को समझ आ गया। फाइंड चार्ज ऑन इंडक्टर, फाइंड एनर्जी ऑन इंडक्टर व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू नॉट बाई टू। इंडक्टर में एनर्जी कितना होगा जब कैपेसिटर में चार्ज क्यू नॉट बाई टू है? ओहो, आराम से, जल्दीबाजी नहीं। जब कैपेसिटर पे एनर्जी क्यू नॉट मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट पे इक्वेशन लिखोगे क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू सी प्लस जीरो। अरे भाई, सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है, तो ऑब्वियस बात है जब चार्ज मैक्सिमम तो करंट जीरो, जब करंट मैक्सिमम तो चार्ज जीरो, तो क्यू नॉट का होल स्क्वायर टू सी प्लस जीरो में कोई दिक्कत है तो बताओ। टी इज इक्वल टू जीरो पे सारा एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम मतलब कैपेसिटर में एनर्जी मैक्सिमम मतलब इंडक्टर में जीरो, क्यू नॉट कॉल स्क्वायर टू से इज इक्वल टू। जब कैपेसिटर पे चार्ज क्यू नॉट बाई टू हो गया तो कैपेसिटर पे एनर्जी हो जाएगी क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू, टू पहले से भी था, सॉरी क्यू नॉट कॉल स्क्वायर टू कॉल स्क्वायर करेंगे फोर, फोर तो एट सी, प्लस इंडक्टर में एनर्जी हाफ एल ए स्क्वायर, तो एनर्जी ही पूछा है तो इंडक्टर की एनर्जी ई भी लिख लेता हूँ, यू भी लिख लेता हूँ, ठीक है सर। चलो अब ध्यान से सुनना, क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई टू सी को, अरे भाई मैक्सिमम एनर्जी चाहे इंडक्टर में हो कैपेसिटर में उसको यू बोला है, तो इसको मैं U बोल सकता हूँ। इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा, U बाई फोर बोल सकता हूँ क्या? ये 8 है, 8 को लिख सकता हूँ फोर मल्टीप्लाई टू, क्यू नॉट कॉल स्क्वायर टू को U कह सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा U बाई फोर, और ये हो जाएगा U, U माइनस U बाई फोर उधर ले जाऊँगा इज इक्वल टू यू बी, तो यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर यू माइनस यू, थ्री यू बाई फोर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये होगा उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक एनर्जी। बताओ समझ आया कि नहीं अच्छे से? ठीक है। कभी कभी बेटा मैकेनिकल ऑसिलेटिंग सिस्टम और एलसी ऑसिलेशन को कंपेयर कर लेते हैं, तो मैंने एक तरीका बहुत ज़बरदस्त बता दिया आपको इनर्सिया के कंसेप्ट से। मास के इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट कौन होता है? मास। क्यों होता है ये लॉजिक आपको पता है? ये भी इनर्सिया, वो भी इनर्सिया, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू मैकेनिकल ऑसिलेशन में होता है के बाई एम, और अपने यहाँ होता है मतलब अपने यहाँ मतलब एलसी ऑसिलेशन में होता है एलसी, ठीक है। तो एम एल के इक्विवेलेंट हो गया, तो के वन अपॉन सी, कैपेसिटेंस किसके इक्विवेलेंट होगा? वन अपॉन के, स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, वन अपॉन के मींस स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, बहुत बढ़िया सा। अच्छा फिर सर चार्ज देखो ऐसे समझो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, यहाँ पे चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं तो करंट मिलता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड चार्ज के इक्विवेलेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट डी क्यू बाई डी टी करंट होता है, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो ये वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। यहां पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यहां पर होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी हाफ, सॉरी हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में ऑसिलेट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? हाफ क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, यही तो होता है,
इसका सम किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट होगा और किसके इक्वल होगा, तो जब कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी होगा तो क्यू नॉट कॉल स्क्वायर बाई टू सी, और जब इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी होगा तो हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर। ये ठीक उसी तरीके से होता है जब आप सिंपल ऑसिलेशन देखते हैं, ये देखे या स्प्रिंग मास देखे, स्प्रिंग मास मेरे हाथ में नहीं है, सिंपल ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम है, तो जब मैं इसको ऐसे ऑसिलेट करता हूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर रुक के पीछे आता है तो इसकी वेलोसिटी होती है जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है मैक्सिमम, तो काइनेटिक क्या हो जाता है, जीरो। जब यहाँ पे आता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, है ना। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ले लो या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ले लो। क्लियर है ये बात, स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखिए।